हेलो फ्रेंड्स, भावना के जायका में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं फिर आ गई हूँ एक नई रेसिपी के साथ। आज मैं बनाने जा रही हूँ पनीर मंचूरियन, जो कि खाने में तो बहुत ही मजेदार लगता है। तो चलिए इस मजेदार रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। पनीर मंचूरियन बनाने के लिए हमने सबसे पहले 250 ग्राम पनीर का टुकड़ा ले लिया। उसे अच्छे से कद्दूकस कर लेंगे। ऐसे अच्छे से पहले कद्दूकस, या इसे हाथ से मैश कर से, लेकिन हाथ से मैशने के बाद इतना अच्छा अलग अलग नहीं रहेगा, इसलिए कद्दूकस ही करना चाहिए। ये हमारा पूरा कद्दूकस हो चुका है। उसमें हम 1 कप कद्दूकस किया हुआ बंद गोभी डाल देंगे और 1 गाजर, इसे भी हमने कद्दूकस कर लिया है। ऐसे 1 कप हो गया ये भी, 1 कप गाजर और 1 छोटा प्याज, ये भी बारीक कटा हुआ प्याज है, हम इसमें डाल देंगे हम। और 1/4 चम्मच लहसुन और 1 हरा मिर्च, ये भी बारीक कटी हुई, और 1 चम्मच नमक। अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि पनीर में सभी चीज़ अच्छे से मिक्स हो जाए, एक दूसरे में टेस्ट मिल जाए इसे। अब इसी तरीके से मिक्स करने के बाद इसमें 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। लाल मिर्च पाउडर को भी इसमें अच्छे से मिक्स कर लें। लाल मिर्च पाउडर आप अपने मन के अनुसार थोड़ा सा ज़्यादा कर सकते हैं, अगर आप तीखा पसंद करते हैं तो। अब हम इसमें 2 बड़ा चम्मच अरारोट डालेंगे और 2 बड़ा चम्मच मैदा। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। इसे अच्छे मिक्स करके इसे बॉल बनाना है, डो के फॉर्म में ला के। अगर आपको बॉल ना बनता हो, बिखरने लगे, तो इसमें थोड़ा सा मैदा आप और डाल सकते हैं। बस इसे प्रेस करते इसी तरीके से बॉल बना लेना है। बॉल का साइज आप अपने मन के अनुसार छोटा या बड़ा कर सकते हैं। बस इसे अच्छे से प्रेस करते हुए बनाना है। ये ध्यान रखना है कि बॉल मंचूरियन बॉल्स को हमें अच्छे से प्रेस करते हुए बनाना है। इसी तरीके से हमारे देखिए सारे मंचूरियन बॉल्स बन के तैयार हैं। हम इधर कढ़ाई गर्म होने चढ़ा दी, उसमें तेल डाल देंगे। ऐसे हम मीडियम फ्लेम पे ही छानेंगे। इसे हल्का गर्म हो, तेल को बहुत ज़्यादा गर्म होने ना दें, बस हल्का गर्म तेल हो चुका है। अब हम इसमें मंचूरियन बॉल्स डाल देंगे। मंचूरियन बॉल्स छाने के समय ये ध्यान रखना है कि फ्लेम को मीडियम ही रखें, बहुत हाई फ्लेम ना रखें, और इसे हल्के हाथों से पलटते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे छान लेंगे। इसे लगातार इसे हल्के हल्के घुमाते रहें और इसे घुमा के छानते रहें। और ये ध्यान रखना है कि चारों तरफ इसका कलर एक जैसा ही गोल्डन ब्राउन हो, इसलिए इसे बीच बीच में इसी तरीके से चलाते रहना है। ये देखिए हमारा मंचूरियन बॉल्स का कलर चेंज हो गया है, ये हमारा गोल्डन ब्राउन कलर का हो गया। अब हम इसे निकाल लेंगे। निकालते समय ये ध्यान रखना है कि इसे फ्लेम को एकदम सिम कर दें ताकि जो बचा हुआ बॉल्स है वो ज़्यादा ब्राउन ना हो जाए। इसी तरीके से हम सारे बॉल्स को छान के तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमारे सारे मंचूरियन बॉल्स तैयार हैं। अब हम इधर सॉस तैयार कर ले रहे हैं। इसमें हम 4 बड़ा चम्मच टोमेटो सॉस डालेंगे। और 2 बड़ा चम्मच चिली सॉस। और 1 चम्मच विनेगर। इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें ताकि एक दूसरे में अच्छे से मिक्स हो जाए। ये हमारा सॉस अब मंचूरियन सॉस बन के तैयार है। इधर हम कढ़ाई गर्म होने चढ़ा दें, जिसमें 2 से 3 चम्मच तेल डाले हैं, 10 से 12 लहसुन की कलियां हैं, 1 इंच अदरक और 2 हरी मिर्च। सबको बारीक काट के हम इसमें डाल देंगे। तेल को पूरा गर्म होने दें। इसमें तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए, इस काम को हम तेज़ फ्लेम पे करेंगे। ऐसे बस 30 सेकेंड तक इसे पकाना, बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है लहसुन अदरक को। उसके बाद 30 सेकेंड पकाने के बाद हम उसमें 2 बड़ा प्याज डाइस के रूप में कटा हुआ, इसे भी हम डाल देंगे। इसे भी ज़्यादा देर नहीं, बस 1 मिनट तक भुनेंगे ताकि प्याज का कलर हल्का चेंज हो जाए और वो क्रंची हो जाए। इसके 1 मिनट जब प्याज हमारा भुना जाएगा, तब हम उसमें 2 शिमला मिर्च, वो इसी तरीके से डाइस के तरह कटा हुआ ही डाल देंगे उसमें।
शिमला मिर्च को भी डालने के बाद फ्लेम को तेज ही रखें, इसे ओवर कुक नहीं करना है, बस इसे क्रंची बनाना है। इसे भी एक मिनट तक हम पका लेंगे लगातार चलाते हुए। इसे डालने के बाद इसे लगातार चलाते रहें। अब हम उसमें जो सॉस तैयार करके रखे थे सारे सॉस को इसमें डाल देंगे। सॉस डालने के बाद भी इसे हम इसे लगातार चलाते रहें। सॉस के साथ इसे बस एक मिनट तक पकाना है ताकि सॉस के साथ भी हमारे प्याज और शिमला मिर्च का अच्छे से टेस्ट आ जाए। अब हम उसमें एक चम्मच बड़ा चम्मच सोया सॉस डाल देंगे। ये रेशियो याद रखना है, 4 चम्मच टोमेटो सॉस बड़ा चम्मच, 2 चम्मच बड़ा चम्मच चिली सॉस और 1 बड़ा चम्मच सोया सॉस, ये रेशियो रखना। ये देखिए हमारा सॉस अब पक चुका है। अब हम इधर इसी तरीके से चलाते रहें, इसे बस एक मिनट तक सब सॉस के साथ चला लें। अब हम इसमें 1/2 चम्मच नमक डाल देंगे। नमक थोड़ा कम ही डालना है, सोया सॉस में भी नमक रहता है इसलिए इसमें नमक कम ही डालें। मंचूरियन बॉल्स में भी नमक डलाया है इसलिए सॉस इसमें नमक कम ही डालना है। अब इधर हम 2 चम्मच अरारोट ले लेंगे और उसमें 1/2 कप पानी डाल देंगे। इसे एक पतला घोल इसका तैयार कर लेना है हमें। और ये इसमें इस घोल में ये ध्यान रखना है इसमें लम्स ना रहे, इसलिए इसे अच्छे तरीके से चला लें। अब हम इसमें 1 कप भर के पानी डालेंगे। अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी वाला मंचूरियन चाहिए तो थोड़ा सा और पानी डाल सकते हैं, नहीं तो 1 कप इतने बॉल्स के लिए काफ़ी हैं। इसे 1 मिनट तक, एक उबाल आने तक अच्छे से। अब एक उबाल आ चुका है, अब हम अरारोट के घोल को इसमें धीरे धीरे करके डाल देंगे। अरारोट के घोल को डालने के बाद हमारे सॉस में अच्छा शाइनिंग भी आ जाएगा और हमारा बहुत मंचूरियन का रस गाढ़ा भी हो जाता है। थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएं और चलाते जाएं। ये देखिए हमारा ग्रेवी तैयार है। अब हम उसमें मंचूरियन बॉल्स डाल देंगे। देखिए कितना गाढ़ा हो चुका है। अब इसमें सारे मंचूरियन बॉल्स को डाल के 1 मिनट तक हम इसे चला देंगे ताकि ये रस सारे अच्छे से मंचूरियन बॉल्स में कोट हो जाए। साथ में उबाल भी आ चुका है। डालने के एक मिनट के बाद हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। हमारा पनीर मंचूरियन बनके तैयार है। अब हम इसे सर्व कर लेंगे। ये देखिए हमारा पनीर मंचूरियन का कलर कितना खूबसूरत आया है। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। हमें उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलें।